हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का HDR CC वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एलाइट मोशन ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप एलाइट मोशन ऐप को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और इस क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से सिंपली आपको अपनी मीडिया में जाना है और मीडिया में से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे एडिट करना है। तो दोस्तों अभी सिंपली से अपनी वीडियो को मैं यहाँ से सर्च कर लिया हूँ, ये वीडियो जो है मुझे यहाँ पर एडिट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो के लेयर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है CHA। जैसे ही आप CHA सर्च करेंगे आपको ऊपर चैनल रैम्प RGB मिलेगा, इसे यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लेना है और इसमें सिंपली आपको थर्ड नंबर पर जो है B सेलेक्ट, उसमें आपको 22 सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। अभी आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ऊपर सर्च करना है SATU। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ऊपर में सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस मिल जाएगा, इसे भी यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लेना है। अभी आपको यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेना है, इसका जो है +25 आपको सेचुरेशन बढ़ा देना है और जो है 1.13 के समथिंग आपको इसे कर देना है। ऐसे एक बार बैक आ जाना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से ये वाला शेप जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसे जूम कर देना है फुल स्क्रीन में, कलर एंड फिल में जाना है, आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से बैक आ जाना। अभी ब्लेंडिंग एंड एपेसिटी में जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से थर्ड नंबर पर जो सजेस्ट ट्रैक्ट है आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से एक बार बैक आ जाना है। अभी आपको सिंपल इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, एड इफेक्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ऊपर सर्च करना है कॉपी। जैसे ही आप कॉपी सर्च करेंगे आपको ऊपर में कॉपी बैकग्राउंड मिल जाएगा, इसे भी यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लेना है, यहाँ से भी एक बार बैक आ जाना। अभी आपको इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना, ऊपर सर्च करना आपको GAU। जैसे आप GAU सर्च करेंगे आपको ऊपर गॉसियन ब्लर मिल जाएगा, इसे भी यहाँ पर सिंपली एडजस्ट मतलब स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लेना है। अभी आपको यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना और एक लास्ट इफेक्ट और यहाँ पर ऐड करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है EX। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको ऊपर में एक्सप्लोजर गांव मिल जाएगा, ऐसे यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग में रख लेना है। इतना सब करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली अभी आपको गॉसियन ब्लर पर क्लिक कर देना है और इसे यहाँ से इनक्रीज कर देना है आपको 250 के समथिंग, यहाँ से बैक आ जाना है। अभी एक्सपोजर गामा को एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर जो आपको -14 समथिंग करना और यहाँ पर गामा को जो आपको 900 कर लेना है, 800 आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफसेट को जो आपको -2% कर देना है, यहाँ से बैक आ जाना है एक बार। अभी इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना और ये वाला सेव जो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, फुल स्क्रीन में कर लेना, ऐसे कलर एंड फिल में जाना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से बैक आ जाना। ब्लेंडिंग एंड अपेसिटी पर सिंपली क्लिक करके आपको कंट्रास्ट पर जाना है और यहाँ से फर्स्ट में ओवरले पर क्लिक कर देना। अभी ये पूरा इफेक्ट जो है पूरी वीडियो में अप्लाई करने के लिए आपको लेयर पर टिक मार्क कर देना है, यहाँ से सिंपली वीडियो के एंड में जाना है और सबसे नीचे लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी सिंपली वीडियो जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए ऊपर एरो के आइकन पर क्लिक कर देना है और सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी जो है वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी।